सौतेली सास का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली सास के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विशाल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। विशाल की माँ उसकी सौतेली माँ थी, इसीलिए वह विशाल से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। विशाल के जाते ही वह अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और उससे सारे घर के काम करवाती थी। किसी किसी दिन तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी आराम कर रही है। खाना कौन बनाएगा? भगवान तो आकर नहीं बनाने वाले। चुपचाप जाओ, जाकर खाना बना। फिर कुछ घंटों बाद, माँ जी आप खाना खा चुकी है, थोड़ा सा खाना बचा है, मैं खा लूँ? जब तक मैं नहीं कहूँगी तो खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। पर माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और शाम हो गई है। एक बार मैं समझ नहीं आ रहा, मैंने एक बार कहा ना, अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ी तो सीधा 10 दिन का खाना बंद कर दूंगी। समझ में आया? मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना चुरा कर खाने के बारे में तो सोचना भी मत। समझ में आया? फिर कुछ देर बाद, माँ जी अभी सो रही हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं, मैं जाकर खुद ही खाना खा लेती हूँ, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और किचन में पहुँच जाती है। वह जैसे ही खाना निकालने लगती है, तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहुत अच्छे, मुझसे चोरी चोरी खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है, मैं बस खाने ही जा रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए माँ जी। तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर वह सारा खाना जमीन पर गिरा देती है। अब खा ले जितना खाना है। फिर एक दिन, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इतनी क्रूर और अत्याचारी कैसे हो सकती हैं? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, बहुत सह लिया मैंने, मैं अब इस घर से जा रही हूँ। जिस समय नायरा परी घर से गई, उस समय उसकी सास वहाँ नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। नायरा परी जल्दी से पानी ला, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई? इतनी देर हो गई है, आखिर ये कहाँ गई होगी? चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई, अब मैं चैन से रह सकती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की सास की बहन कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। नायरा परी कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? आप तो मेरे लिए आई है ना? हाँ, पर वो है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से ही गई है। मैं नायरा परी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो अपने मन से ही और खुशी से नहीं जाएगी। तूने उसे जाने पर मजबूर किया है ना, तू भी अब कभी भी खुश नहीं रहेगी। क्या गलती की थी उसने? सारा घर का काम भी करती थी और साथ में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तो वही करती थी, फिर तुझे उसे क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बात सुनकर नायरा परी की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हम अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी और कोरोना वायरस। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी और कोरोना वायरस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। इस दुनिया से दूर परियों की दुनिया में भी कोरोना वायरस चल रहा है। उस परी लोग की रानी परी ने सभी परियों को बुलाया और बोली, सभी परियां ध्यान से सुनो, हमारे परी लोग में कोरोना वायरस फैल चुका है, इसीलिए सभी परियां महल से बाहर नहीं निकलेंगी। पर रानी परी, हम महल के अंदर कितने दिनों तक रहेंगे? हमें तो आदत है
बाहर टहलने की, फिर हम दिन रात महल के अंदर कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा ना एक बार, अगर खुद को बचाना है तो महल में ही रहना होगा और कोई भी परी बाहर का खाना नहीं खाएगी। रानी परी, आप ये क्या कह रही हैं? हम बाहर का खाना खाए बिना कैसे रह सकते हैं? मैं जो भी कह रही हूँ सभी परियां चुपचाप वही करेंगी। अब सभी परियां महल के अंदर जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। सभी परियां महल के अंदर चली जाती हैं। रात होने पर एक परी जिसका नाम नायरा परी था, वह बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, मैं तो जाऊंगी टहलने, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, बाहर की हवा खाती हूँ, वैसे भी रात में किसी को भी पता नहीं चलने वाला। नायरा परी वहाँ से निकल जाती है और एक ठंडी जगह पर पहुँच जाती है। वह कुछ देर वहाँ टहलती है और फिर वही नदी के किनारे बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन नायरा परी अचानक बीमार पड़ने लगती है। रानी परी ने नायरा परी से पूछा, नायरा परी कहीं तुम बाहर तो नहीं गई थी? अगर मैंने रानी परी को सच बता दिया तो वो मुझे सजा देंगी, मुझे चुप ही रहना चाहिए। नहीं रानी परी, मैं कहीं भी नहीं गई थी। कुछ समय के बाद नायरा परी और भी बीमार पड़ जाती है। सभी परियां नायरा परी के लिए परेशान हो जाती हैं। सभी परियों को परेशान देख नायरा परी बोली, रानी परी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं बताया पर मैं रात को महल से बाहर टहलने के लिए जाती थी। तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे माफ कर दीजिए रानी परी। रानी परी बोली, तुम्हें कोरोना हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर रानी परी मैं ठीक नहीं हो सकती क्या? मुझे ठीक होना है, तुम मेरे साथ चलो। नायरा परी रानी परी के साथ जाती है। रानी परी नायरा परी को एक कमरे में ले जाती है जहाँ बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। रानी परी ये आप मुझे कहाँ लाई हैं? तभी वहाँ एक परी आई जो कि एक डॉक्टर थी। वह रानी परी से बोली, रानी परी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नायरा परी बोली, रानी परी ये किसको इंजेक्शन लगाने की बात कर रही है? रानी परी बोली, ये इंजेक्शन तुम्हारे लिए है। क्या, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही डर लगता है। अगर तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो तुम और भी बीमार हो जाओगी और फिर कुछ भी हो सकता है। काफी टाइम के बाद नायरा परी इंजेक्शन लगवा लेती है। रानी परी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मेरी वजह से आपको कोरोना भी हो सकता था। नायरा परी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।